पहचान रही है घुस देगी फ्री फायर होता है आओ फ्री फायर के दोस्त लोग को दिखा दो हमन खेल रहा है फ्री फायर यहाँ पर फ्री फायर के सब दोस्त हैं तो भाई साहब गैंग है पूरा ही गैंग है पूरा बैठी हुई है। हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का नीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा हेल्दी खिचड़ी। बिल्कुल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आज हम जो खिचड़ी बनाएंगे वो बच्चा से लेके बूढ़े तक सब कोई खा सकता है और इतना टेस्टी कि पूछिए मत। आप बार बार इस तरीके से बनाएंगे। तो काफ़ी दिनों से दोस्तों का डिमांड आ रहा था कि आप लोग खिचड़ी कैसे बनाते हैं गाँव में, तो आज हम आपको ना एक तरीका बताऊँगी। खिचड़ी बनाने का तो बहुत से तरीका है हमारे गाँव का, लेकिन एक बताऊंगी, फिर कभी मौका मिलेगा तो दूसरा भी बताऊंगी। तो चलती हूँ खेत में और आपको घुमाऊंगी भी खेत और सामान भी लेके आती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। तो खेत में आ गए हैं दोस्तों, धनिया पत्ती ले लेते हैं। तो हरा धनिया का पत्ता ले लिए हैं, गाजर निकाल लेते हैं, आलू भी निकालेंगे। शिव शंकर का जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, भव सागर में। तो देखिए आलू हम निकाल ले रहे हैं। तो आलू ले लिए हैं दोस्तों काम भर का, अब चलते हैं मटर लेंगे। तो आ गए हैं मटर के खेत में, यहाँ से हम मटर ले लेते हैं। तो देखिए कितना मटर फरा है। पूजा करो। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा गोभी हुआ है, तो मैं गोभी निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया गोभी है, अभी खेत गीला है। देखिए तो देखिए एक और गोभी हम निकाल लेते हैं। भोले शंकर की पूजा। तो दोस्तों इसमें हम खिचड़ी में ब्रोकली भी डालेंगे, तो ब्रोकली तो हमारे खेत में है लेकिन घर पे भी है, तो ब्रोकली नहीं निकालते हैं, चलते हैं डायरेक्ट घर पे। लहसुन पत्ता लेना है, तो यहाँ से हम लहसुन का पत्ता भी ले लेते हैं। खिचड़ी में डालने से बड़ा टेस्टी स्वाद देगा। तो नीचे नीचे का पत्ता तोड़ते हैं हम लोग, ऊपर का नहीं तोड़ते हैं। तो सभी चीज़ ले लिए दोस्तों, तो अब चलते हैं घर और जल्दी से आपको बना के दिखाते हैं खिचड़ी। डगमग डगमग। तो गोभी को हम काट लेंगे। तो देखिए हम छोटा छोटा ना गोभी का पीस बना लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम सभी कुछ को काट लेते हैं, जैसे कि देखिए ब्रोकली है, ब्रोकली भी काटूंगी, गाजर भी धो के काटूंगी, मटर भी छुटाऊंगी। तो मटर हमारे यहाँ ना पहले से आके रखाया था ज्यादा, तो इसीलिए मैं कमी तोड़ी हूँ।
मेरे को भी दो भाई, लालच दिला रहे हैं मेरे को है। फटाफट काटो मम्मी, मुझे भूख लग रही है। तो देखिए हम सब्जियां काट लिए हैं, मटर भी छील लिए हैं, और साथ में हम तड़का में डालेंगे मिर्ची, दो ठो प्याज छोटा छोटा, दो ठो टमाटर, लहसुन के पतई और आलू। ये देखो हमारी कैसे मदद कर रहा है, डंडा तोड़ रहा है मम्मी, तोड़ के देता है मेरे को जलाने के लिए। लो मम्मी जलाओ। इसके जब से दांत आए ना, कुछ ना कुछ काटता ही रहता है, कुछ ना कुछ, बोरा काटेगा, कभी चप्पल काटेगा। चूल्हा जला लिए हैं दोस्तों, देखिए तो गोभी और सभी सब्जियों को हम धो लेंगे। तो हम चार पांच हरा मिर्च को इसी में काट लेते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच, ज्यादा नहीं डालेंगे। इस तरीके से जल्दी बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये लहसुन का पत्ता है, अगर मार्केट में ना आ रहा हो तो इसके बदले में आप ना जो गांठ वाला लहसुन आता है उसका 3-4 कलियाँ छील के इसी में डाल लें। तो देखिए यहाँ पे हम प्याज, लहसुन, मिर्ची, जीरा सभी चीज़ों को भून लिए हैं। तो ये हरा धनिया का पत्ता है, इसी में डाल के इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहीं पे हम अपना सब्जियां डाल लेंगे, देखिए कितना सारा सब्जी है, सारा सब्जी इसी में डालेंगे। यहाँ पे मटर भी धो लिए हैं, मटर को भी डाल लेंगे, 2 टमाटर भी धो लिए हैं। अब हम इसी में डाल के सभी चीज़ों को भूनेंगे। जल गया है। तो देखिए हम 1 कटोरी ये अरवा चावल है, 1 ही कटोरी डालेंगे। तो इसमें 1 कटोरी में ना इतना बन जाएगा कि 5 आदमी खा लेंगे। तो ये 250 ग्राम से भी कम होगा चावल। तो चावल हम धो लेंगे, अरवा चावल है नया इसी साल का। देखिए यहाँ पर हम सब्जियों को 1-2 मिनट भून लिए हैं, ज़्यादा नहीं भुने हैं। अब यहीं पे हम चावल डाल लेंगे, आप चाहें तो इसमें 2 मुट्ठी दाल भी डाल सकते हैं, मसूर का दाल डाल सकते हैं, मूंग का डाल सकते हैं, चना दाल डाल सकते हैं, मैं बिना दाल का बना रही हूँ। तो 2 टमाटर लिए हैं, तो टमाटर को हम काट लेंगे इसी में। अब यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, अगर आपको खिचड़ी में नमक पता ना लगे थोड़ा कम ही डालें, बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं आप। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चा, लाल मिर्चा आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और इसको सब्जियों के साथ हम चावल को भी भून लेंगे। तो देखिए चावल डालने के बाद हम 4-5 मिनट भून लिए हैं, और कुछ इस तरीके से हमारा चावल भी भून गया है, सब्जी भी भून गया है। तो खिचड़ी में अक्सर पानी डालने का जो रेशियो है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जैसे कि 1 कटोरी आप चावल लिए हैं तो चावल के लिए 6 कटोरी पानी लें, और जो सब्जियाँ हैं तो सब्जियों के लिए भी आप 2 कटोरी डाल दें। और पानी जैसे कि कम ज़्यादा हो जाता है तो पानी को गर्म करके रखें और खिचड़ी में आप उसको डाल के और सेटल कर सकते हैं। तो हम पानी डाल लेते हैं, तो हम लोग तो अंदाजे से ही डाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे ढक्कन से ढक के 10 मिनट तक मीडियम आंच में पकने देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा खिचड़ी पक रहा है, तो 5 मिनट हो गया, 5 मिनट में और पक जाएगा हमारा खिचड़ी। खिचड़ी बना के तो मैं रख दी थी, क्योंकि आज 3 बजे लोग खाए थे तो खा नहीं पाए, और अब खा रहे हैं।
तो देखिए हमारा जो खिचड़ी था वो बन के कैसे तैयार हुआ है। तो जैसा हमें चाहिए खिचड़ी बिल्कुल वैसी है, बना के रख दी थी मैं, फिर भी ये देख रहे हैं इसे सिर्फ गर्म किया गया है अभी। और ये खिचड़ी ऐसा है ना कि आप बना के रख लीजिए, अभी नहीं मन करता है तो कल सुबह भी खा सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी खिचड़ी हमारा तैयार है दोस्तों। तो इसको मैं दही के साथ सर्व करूँगी। तो देखिए प्लेट सभी का निकल चुका है, सब कोई आज खिचड़ी खाएगा। तो देखिए दही हम दे देते हैं लाला जी को। ये रहा दही और ये छाली। लाला जी को तो दे दी थी मैं, फिर याद आया कि आप लोगों से बोली भी नहीं हूँ कि आपको कैसा लगा आज का खिचड़ी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो घर में काम हो रहा तो आप लोगों को तो पता ही है, थकान हो जाता है। फिर जाके मैं सो गई थी, फिर याद आया मैं तो सर्विंग की ही नहीं आज, तो फिर मैं उठ के आ गई। तो लाला जी को देती हूँ, फिर सभी के लिए निकालूंगी प्लेट में। ये देख रहे हैं खिचड़ी के दीवाने हैं सारे भैया, हम हर चीज के दीवाने हम खाने के दीवाने हैं ना ललित भाई। तो दोस्तों हमारा खिचड़ी का रेसिपी आपको पसंद आया तो जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं भी आए तो ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही यम्मी बनता है। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्या जा रहा है बोलो भाई सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है आप बोल दो। पाओ बोलो भाई मिलियन सब्सक्राइबर पाओ बोल रहा, मैं एक बार बोल दूंगा तो फिर मिलियन हो जाएंगे भाई साहब सब्सक्राइब कर ही दीजिए, इसी बात पे मिलियन कर ही दीजिए, मिलियन कर दीजिए ना। मिलीनियर के साथ बैठी हूँ तो थोड़ा सा पापा हम भाग जाएंगे 2 मिलियन पे गिल्टी फील होता है। गिल्टी क्या बात है मम्मी, ये शब्द कहाँ से सीख रहे हो? हाई फाइव हो गई मम्मी।